महिला पेशेंट के साथ डॉक्टर ने की अश्लीलता से बात, कहा अस्पताल में आओगी तो मारूंगा थप्पड़। एक डेढ़ माह के कुपोषित बच्चे के साथ इलाज कर रही महिला पेशेंट के साथ सरकारी अस्पताल के डॉक्टर बस रुकी कर अश्लीलता से बात की है और अस्पताल में दोबारा आओगी तो थप्पड़ मारूंगा कहने को शर्मशार घटना अस्पताल में खड़ी है। घटना की जानकारी लेने पहुंचे पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी की है। घटना भंडारा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुटे गांव की है। बताया गया है कि खेरीपट की एक गरीब परिवार की महिला अपने डेढ़ महीने के कुपोषित बेटे के साथ लाखांदूर के सरकारी अस्पताल में इलाज करने गई थी, लेकिन यहाँ के डॉक्टर ने उसका सही इलाज करने के बजाय उस महिला पेशेंट को ही बाहर से महंगी दवाई खरीदने को लगाया। पहले से एक गरीब परिवार की महिला पेशेंट को बाहर की महंगी दवाई खरीदी करने में दिक्कतें आने लगी। वह अपने बेटे को लेकर घर चली गई, लेकिन बताया गया है कि उस महिला पेशेंट का बेटा कुपोषित होने से महिला की जरूरतों को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रमुख डॉक्टर वानखेड़े उस महिला के घर यूँ समझाने के बजाय उस महिला को पेशेंट के साथ साथ परिजनों को अश्लीलता से बात कर थप्पड़ मारने की धमकी दी है। इसकी सूचना जब पत्रकार को मिलने पर डॉक्टर वानखेड़े से बात करने पहुंचे तो पत्रकारों से भी बदतमीजी से बात की और पुलिस को भी बुलाया। भंडारा जिला परिषद सदस्य सौ प्रणाली ठाकरे और पंचायत समिति के उप सभापति शिवाजी देशकर भी अस्पताल पहुँच कर यह डॉक्टर वानखेड़े का जमकर समाचार लेकर निलंबित करने की मांग की। आइए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ निशांत लांजेवार की खास खबर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कूड़े गांव के डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि पत्रकारों ने दादागिरी करके यहां पर उधम मचा रहे। ये आशिक की कंप्लेंट उन्होंने पुलिस लाखा स्टेशन लाखांदूर में मोबाइल द्वारा किया और डॉक्टर के कंप्लेंट के बाद में लाखांदूर की पुलिस यहां पर आई और पुलिस जब आई तो पत्रकारों के सामने डॉक्टर ने कहा कि हमारी कोई शिकायत नहीं है। एक तो शिकायत मतलब मोबाइल द्वारा उन्होंने शिकायत की और जब पत्रकारों ने सच्चाई सामने लाने की जब बात की तो डॉक्टर मुंह बंद करके चुपचाप बैठे हुए हैं। डॉक्टर की बदतमीजी, डॉक्टर का जो रवैया है यहाँ पेशेंट के साथ में बिल्कुल बराबर नहीं है। यहाँ असुविधा है, पेशेंट के साथ में उनका व्यवहार बराबर नहीं होने की वजह से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर नाराज हैं। इसकी शिकायत भी जिला स्वास्थ्य अधिकारी को की जाएगी और जिले के जिलाधिकारी को भी की जाएगी। क्या जिला प्रशासन इस स्वास्थ्य अधिकारी को निलंबित करने की जिम्मेदारी लेंगे? और यहाँ के लोगों का कहना भी है कि यहाँ के डॉक्टर को तुरंत निलंबित किया जाए। हम यहाँ के स्थानीय और पंचायत समिति लाखांदूर के उपसभापति शिवाजी देशकर जी हमारे साथ में हैं और उनसे हम बात करेंगे। देशकर साहब, मुझे बताइए कि आपके अस्पताल में, क्योंकि आप चूँकि आप इस गांव के रहवासी हो और पंचायत समिति के उपसभापति के पद पर आप काम कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है, आपके यहाँ के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो डॉक्टर वानखेड़े जी है, ये पेशेंट के साथ में बदतमीजी से पेश कर आते हैं और ख़ास करके अब जो लोग पूछने के लिए आए हैं तो पत्रकारों के साथ में भी उन्होंने बदतमीजी की। क्या आप ऐसे जो असुविधाजनक डॉक्टर है जो पेशेंट के साथ में जिनके संबंध अच्छे नहीं है, क्या उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करने के बारे में सोचेंगे? वर्तणुकीनुसार डॉक्टर साहबांना जे काही आज वर्तणूक केली त्याच्यावर जनतेची मागणी आहे की निलंबन व्हावं, तर निलंबनाची कारवाई डॉक्टर साहेबांना करण्यात यावी, माझा त्यांना दुजोरा आहे। शिवाजीजी देशकर उपसभापती पंचायत समिती लाखांदूर, उन्होंने भी डॉक्टर के निलंबन की बात की है, उन्होंने मांग की है। पता ये चला कि यहाँ के विधायक बड़ा भाव कसीवार के स्वी सहायक, उनके जो पीए हैं, उनके साथ में भी इन्होंने बदतमीजी से बात की, बदतमीजी से उनके साथ में चर्चा की। तो क्या ऐसे डॉक्टर को इस अस्पताल में क्या रख सकते हैं? क्या यहाँ आने वाला मरीज उनको समाधान कारक उनका इलाज हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। अभी जिला प्रशासन इस मगरूर डॉक्टर के ऊपर क्या कार्रवाई छोड़ने वाली नहीं है और निश्चित रूप से अभी हम लोग भी पुलिस का इंतजार कर रहे हैं, जब तक पुलिस यहाँ आती नहीं, क्योंकि पत्रकारों ने बदतमीजी से बात किया करके ये आरोप डॉक्टर वानखेड़े इन्होंने पुलिस को फोन करके बताया है। हम भी पुलिस का इंतजार कर रहे हैं और दूध का दूध पानी का पानी यहाँ करने के लिए हम खड़े इंतजार कर रहे हैं। अभी जिस विषय को लेकर हम पत्रकार
सारे संवाददाता अस्पताल में आकर जिस विषय को लेकर चर्चा करने के लिए हम आए थे, उस विषय की चर्चा अभी तक शुरू नहीं हुई है। केवल और केवल मीडिया के सामने आकर डर कर केवल अपने चैम्बर में पेशेंट को लेकर बैठे हुए पिछले आधा घंटे से बात नहीं हुई। हम भी पुलिस का इंतजार कर रहे हैं और देखते आगे पुलिस और मेडिकल ऑफिसर पत्रकारों के बारे में क्या शिकायत करते हैं, और हम भी उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। मनीषा लांजेवार, MNS न्यूज, भंडारा। सिस्टर वेगळा सांगते, डॉक्टर वेगळा आहे, चपराशी वरून एकच सगळे साहेब आहेत का? हां, डॉक्टर साहेबांनी सांगायला पाहिजे, साहेब आहेत ते, मला किंवा ते डॉक्टर आहेत, त्यांना ट्रीटमेंट करतात, त्यांना माहिती नाही काही कोणती औषधी उपलब्ध आहे किंवा कोणती नाही म्हणून। आपने फोन करके बुलाया ना पुलिस को? फोन किसने किया पुलिस को? पुलिस को फोन किसने किया? आपने किया ना, या पत्रकार दिंगा मस्ती करने करके यही फोन किया ना आपने? क्यों तल में लीजिए, मैसेज आपको आया ना। हाँ, तो शिकायत करता ये है, डॉक्टर है, हम तो और भी बैठे अभी यहाँ पर। बताइए ना, क्या क्या आपको मतलब तकलीफ हुई हमसे? अब पुलिस वाले आ गए, उनको बताइए आप क्या कार्रवाई करेंगे, देखेंगे अपने कानून के हिसाब से, बाद में अपने विषय पर बात करेंगे जिस विषय के लिए मैं आया हूँ। डॉक्टर, ये मैटर आपका हमारे आने के पहले का हुआ है, मेरे आने के पहले का हुआ है। आपने हमारे साथ में जो वर्ताव किया और आपने पुलिस को कंप्लेंट की फोन पर मोबाइल से कि पत्रकार बदतमीजी से ये कर रहे, ये आपने किया और उसी हिसाब से पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, तो हमने क्या बदतमीजी भी किया ये थोड़ा पुलिस को बताइए आप। उसका वीडियो मेरे पास में, जो आपने बोले उसका वीडियो मेरे पास में है। नहीं, आप हम जो टेबल के पास में जो खड़े थे तो आपने क्या बोला, इंटरव्यू के लिए पुलिस लगती है क्या? ये पत्रकार कोई चालू मतलब तलवार लेके बैठे थे या बंदूक लेके बैठे थे? पत्रकार बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे करके आपने फोन किया पुलिस को,
और पुलिस यहाँ पर आपने बुलाए हैं। अब यहाँ पुलिस के सामने बताइए ना क्या क्या हुआ करके। ऐसा व्यवहार होता है क्या लोगों के साथ में? एक जिम्मेदार पत्रकार है, मीडिया के लोग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग है, प्रिंट मीडिया के लोग है, आप यहाँ के जिम्मेदार डॉक्टर हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, आप यहाँ आने वाले लोगों के साथ में किस तरह से वार्ता करना चाहिए करके। आप लोगों के साथ में बदतमीजी से बात कर रहे हो, पत्रकारों के साथ में बदतमीजी से बात कर रहे हो, ये तो जाहिर होता है कि आप लोगों के साथ में किस तरह से बात करते होंगे करके। तो आपने अभी कंप्लेंट किया एज एज पर योर मोबाइल कंप्लेंट, वो पुलिस यहाँ पर आ चुके हैं। आप डॉक्टर की करने हैं, नौकरी करने के लिए आए हो, क्या करने के लिए बैठे हो यहाँ? पिछले आधा घंटे एक घंटे से मैं देख रहा हूँ, केवल टाइम पास करने के लिए एक समय नहीं देते हुए पेशेंट को लेकर बैठे। अभी आपका ओपीडी का समय खत्म हो चुका है, सुनिए पहले, आपका ओपीडी का समय खत्म हो चुका है। अभी आप इमरजेंसी में, कोई इमरजेंसी पेशेंट तो नहीं थे ये? डिलीवरी के पेशेंट, आप जानबूझकर उनको एक घंटे से यहाँ पर बिठा कर उनको परेशान कर रहे हो, जो भी हो, लेकिन एक घंटे से एक एक चैम्बर में तीन तीन पेशेंट लोगों को बैठा कर, महिला लेडीज को पेशेंट को बिठा कर आप क्या चेक कर रहे हो? आप केवल टाइम पास कर रहे हो, आप केवल टाइम पास कर रहे हो ना? जवाब दीजिए, मेरे तरफ क्या देख रहे हो आप, जवाब दीजिए। यह ऑल वर्ल्ड के लिए न्यूज आ रही है। हाँ यस, लॉजिक चल रहे हैं ना? अब आम आदमी को क्या इतना चिल्ला समझ के रखे हैं क्या? आपको गवर्नमेंट किस तरह से काके लिए पेमेंट कर रहा है? यहाँ पर ड्यूटी करने के लिए पेमेंट कर रहा है ना? ये कोई आपका प्राइवेट हॉस्पिटल तो नहीं है? हाँ यस, ये कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं है ना? आप जवाब दीजिए ना, क्या हाँ कर रहे हो, काय के रिटर्न में? क्यों हमको पूछने का अधिकार नहीं है क्या आपको? हर बात कोई रिटर्न में होती है क्या? अभी बताओ क्या आपको रिटर्न कैसा रहता है? तो अभी अस्पताल के मालक बैठे बैठे हो। मेरा सवाल है कि आपने पेशेंट को बाहर से दवा लेने के लिए क्यों बोला है? यदि आपके पास में वो अगर दवा आप अस्पताल में नहीं दे सकते तो क्या बाहर की दवा लिखकर देने का अधिकार आपको है? आपने लिख के दिया है, आपने अस्पताल के बाहर से, अस्पताल के बाहर से अपने दवाइयां मंगवाई है। हमारा आरोप यह है कि आप मेडिकल, मतलब अपने अस्पताल की दवाइयां मेडिस लोगों को देते नहीं है और बाहर बेचते हो, यह आरोप है हमारा। आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है? और आप पेशेंट के साथ में बदतमीजी से बात करते, एक महिला पेशेंट के साथ में आपने बिल्कुल अश्लीलता से बात की, उसका स्टेटमेंट हमारे पास में है, वो प्रूफ दिखेगा ना आपको? मैं कोई आपका ये नहीं हूं कि आपको मैं प्रूफ दिखाते बैठू, मैं रिपोर्टर आपको पूछ रहा हूँ, हाँ या ना, मुझे हाँ या ना में जब मुझे, आपने अश्लीलता से बात की या नहीं की? आपने अश्लीलता से बात की या नहीं की? नहीं की, ठीक है। ये जो हमारे एक रिपोर्टर है, अपने मिसेस के साथ में अस्पताल में आए थे दवा लेने के लिए खैरीपेट से, और उनके साथ में भी आपने बदतमीजी से बात की, आपने बाहर से दवा लेने के लिए मतलब उनको लगाया, उन्होंने बताया ना? आपके सामने पूछने का कोई मुझे मतलब ऑर्डर दे रहे हो क्या? मैं आपको, आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको पूछ रहा हूं हाँ या ना में जवाब दीजिए मुझे। आपने बदतमीजी से बात की है, आप बदतमीजी डॉक्टर के साथ मतलब रवैये से बात कर रहे हो, आप अगर जिम्मेदार पत्रकारों के साथ भी इस तरह से बात कर सकते हो और पेशेंट के साथ किस तरह से बात करते होंगे, ये पूरा पुरावा दिखता है। हाँ 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 बोलिए 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 बोलिए, हम बैठने के लिए नहीं आए, अभी बहुत हो गया, दो घंटे से हम खड़े हैं, अभी आपको समझ में आ रहा बैठने के लिए बोलने के लिए? हाँ तो ठीक है ना, बोलिए बोलिए।
ही अश्लीलता से बात करी। यदि दोबारा अस्पताल में आओगी तो दो चार थप्पड़ यहीं जड़ दूंगा, ऐसी धमकी थी। हमारे ब्यूरो चीफ निशांत लाजेवाल ने जब पेशेंट और परिजनों से बात की तो देखिए। आप अपना नाम बताइए और डॉक्टर ने आपके सामने क्या बता किया, डॉक्टर ने क्या बोला? वैशाली अनंतवाड़ी डॉक्टर ने आम्ही दवाखान्यात नाही आहे म्हटले। ते एक थापड मारी म्हणला, पोर बारे घेऊन पडते तुला। आम्ही म्हटले आम्हाकडे पैसे नाही आहेत, आम्ही येऊ शकत नाही। बाहेरून औषध मिळले सरकारी दवाखान्यात लोकांनी, नाही पुढे गावचे नाही गेलते दवाखान्यायचं नाही। भाऊराव केदार का ना डॉक्टर आम्हाला म्हणते भंडारेला चाल म्हणते, आम्हाला भरती आले थोडा दिवस राहा म्हणते। आम्ही म्हणून वर्षाला पोहे लावायला गेला, तिचा बाप त्याली येतली, आम्ही सांगत नाही फोन नंबर दे आपला, आता मला रिकाम करणार म्हणते फोन नंबर द्यायची, तुझ्या तुले म्हणते पोराबराची आहेस तर तुला घेऊन पडतात का म्हणते, पोरं म्हणते दोन तीन म्हणते असा म्हणलं त्यानं, तू लग्न करून देताना पोरं करायला सांगता का म्हणते, त्या शब्दात बोलला। तर मी म्हणलो तुम्ही लाखांदुरात भरती राहा म्हणल्या, तर बाहेरची दवाई दिली आणि मग साच्याची दवाई लागली म्हणून येणार या झाले 1000 रुपये खर्च आला म्हणून, मग तुम्ही दिल्या का नाही म्हणलो, एक दिवस राहून द्या का म्हण देऊन का म्हणते, म्हणून आम्ही राहतो म्हणून तुम्ही भंडाराला काल जा म्हणल्या म्हणून आम्हाला पैसे नाहीत ना, हे शब्द बोललो मी बोलला। डॉक्टर म्हणे भंडाऱ्यालाच जा म्हणताय तो आम्हाला अजून, तर मी म्हणलो आम्ही तिचा बापही नाही कोणीच नाही घरी पोरगाही नाही, मी म्हणलो आता कशी कशी घेऊ म्हणलो भंडाऱ्याला म्हणलो त्याला येतला फोन नंबर दे म्हणता, फोन नंबर नाही दिला त्याने, मग तिले म्हणलं तर मग मी इकडला केलं माझी आता सासू होती खोटी बोलीन, हो पोरं बरं दुसरे पोरा बराची आई आहेस म्हणजे कोणी घेऊन करतील का म्हणे तुला पोरं म्हणे, त्या शब्दात बोलला। लग्न करते ना पोरंच करते का म्हणते, मग त्या तुले म्हणतात तिकडे येशील म्हणजे पुढे कर दवा काय दोन तीन थापडा मारल्याशिवाय राहत नाही म्हणते, मी म्हणते आधी आधी मारीन म्हणलं, त्या शब्दात बोलला। मग इकडे ह्या येते गेला मास्तरांची येते, मग तेथून आला मग कोठे गेला माहिती नाही। तो खबरों में आज के लिए इतना ही, MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, तब तक के लिए धन्यवाद।